पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार का निधन हो गया है। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही पूरे टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं कवि कुमार के फैंस को भी एक गहरा सदमा लगा है। इसी के साथ शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग भी रोक दी गई है। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई है, डॉक्टर हाथी को अपने निधन का आभास पहले ही हो चुका था। जी हाँ, डॉक्टर हाथी का आखिरी ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जो उन्होंने करीब 2 साल पहले किया था। बता दो, उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, किसी ने कहा है कि कल होना हो, मैं कहता हूँ पल होना हो, हर लम्हा जियो। उन्हें इस ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर पल को जीना चाहते थे और कहीं ना कहीं उन्हें अपने निधन के बारे में आभास काफी ही पहले हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार ने कुछ टाइम पहले ही 80 किलो वजन कम किया था। इससे उन्हें चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि कवि कुमार यानी कि डॉक्टर हाथी को एक्टिंग के साथ साथ कविताएं लिखने का भी काफी ज्यादा शौक था। वो एक्टिंग के लिए छोटी सी उम्र में ही अपने घर से भाग गए थे और मुंबई आकर उन्होंने अपना एक्टिंग में करियर बनाया और सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें, सबसे ज्यादा पहचान उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने ही दिलाई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।